क्यों बंधु, चक्कर खा गए ना? अरे जब आने के लिए इतनी अच्छी खासी सीढ़ियां हैं तो फिर ये फिसल कर आने की क्या आवश्यकता? चोट वोट लग जाती तो? जी जी सॉरी। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा भैया, आप फिर से ऊपर जाइए। क्यों ऊपर क्यों? वो आप ऊपर जाकर वैसे ही उतरिए जैसे सीढ़ियों से उतरा जाता है और लोग उतर रहे हैं जैसे। और नहीं गया तो? नहीं गया तो ठीक है, चलते प्रिंसिपल साहब के कमरे में चलते। प्रिंसिपल साहब के पास? हाँ। अच्छा ठीक है, आप ये चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ, ऊपर से नीचे आऊँ? नहीं, अगर आपको जाने की अगर इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल साहब। अरे रुकिए तो, ठीक है मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर से नीचे आता हूँ सीढ़ियों से। ठीक है। ओके अब ठीक है। ओके तो है, पर आपको इसके साथ में एक वादा भी करना है। वादा? हाँ। कैसा वादा? यही कि आप हमेशा इसी तरह से सीढ़ियों से चलकर उतरकर आएंगे, फिसल कर नहीं आएंगे। ठीक है, आगे से मैं ऐसे ही ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आऊंगा। ठीक है ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ जाइए जाइए। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको आज से पहले इस कॉलेज में नहीं देखा, कौन है आप? हम हम आपके हिंदी के शिक्षक हैं। ओ आप जाइए अपनी क्लास में, हम अभी आते हैं। जाइए। हाँ यार, हिंदी के नए प्रोफेसर ने मुझे पहले दिन ही प्रिंसिपल के पास ले जाने की धमकी दी। क्या बात करते हो यार, हिंदी का नया प्रोफेसर पहले दिन से कड़क हो रहा है? हाँ यार, इतने स्ट्रिक्ट तो हमारे पुराने प्रोफेसर भी नहीं थे। यस मेहुल, बेशक हम यहाँ पढ़ने आते हैं, इसका मीनिंग ये तो नहीं कि हम सब यहाँ थोड़ी बहुत मस्ती भी ना करें। नहीं, इससे पहले कि ये नया प्रोफेसर हम लोगों पर हावी हो, उससे पहले हम लोगों को उस पर हावी होना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, तुम लोग तैयार हो ना? क्या बात है मिर्गिया, तुम हमारे साथ नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं है मेहुल, डर लगता है कहीं बात बढ़ ना जाए। अरे मेहुल के होते हुए तुम में से किसी को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को पता है ना कि मेरे फादर इस कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन हैं। अरे यहाँ का प्रिंसिपल भी मुझसे डरता है, फिर ये प्रोफेसर क्या चीज है? अरे इस प्रोफेसर के बच्चे को तो हम सबक सिखा के रहेंगे और मेहुल के सारे दोस्त कॉलेज में मजे करते रहेंगे। याहू! अरे सुनो, वो प्रोफेसर आ रहा है। अरे तो फिर शुरू हो जाओ। क्या हो रहा है ये सब? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत, शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। आप लोगों का हमसे अभी तक शायद परिचय नहीं हुआ, इसीलिए आप हमें पहचान नहीं पाए हैं। हम भी अपनी किशोरावस्था में आपकी तरह चंचल और नटखट थे। बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए ना। अच्छा अच्छा, वो हम अभी तक नहीं बैठे इसलिए आप लोग नहीं बैठे। ठीक है तो हम बैठ जाते हैं, आप लोग भी बैठ जाइए। अरे भाई बैठ जाइए आप लोग। बैठ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना बैठे बैठे। हाँ तो हम कह रहे थे कि अभी हम लोगों का एक दूसरे से परिचय नहीं हुआ है। वैसे आप लोगों को ज्ञात तो हो गया होगा कि हम ही वही व्यक्ति हैं जो आप लोगों को हिंदी भाषा पढ़ाने वाले हैं। हिंदी भाषा, जैसे सब लोगों का नाम होता है वैसे आप सब लोगों का भी नाम होगा, हमारा भी नाम है, तो हम एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं। चलिए आप लोगों से शुरुआत करते हैं, आप अपना नाम बताइए। चलिए चलिए आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए अपना नाम, आप बता दीजिए, बताइए अपना नाम भाई, आप बता दीजिए। अरे आप हम भी कितने विचित्र हैं, आप ही से नाम पूछे जा रहे हैं।
हमें आपको पहले अपना नाम बता देना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको अपना नाम बता देंगे। हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट गुटिंडा। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे इसमें हंसने, बैठ जाइए, रुक जाइए रुक जाइए, शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। हंसे जा रहे हैं आप लोग, पढ़ाई शुरू की जाए। हाँ तो हम लोगों का आज ये पढ़ाई का पहला दिन है, हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन हम पहले आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अब तक आपने क्या पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा। हमने भी कुछ नहीं पढ़ा सर। सर हमने भी कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा। शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। देखिए देखिए ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आप लोग पढ़ना चाहते कि नहीं पढ़ना चाहते? नहीं 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 पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना। हमें आपसे नहीं पढ़ना है, हम ऐसे टीचर से नहीं पढ़ना चाहते जो हमें बात बात पर डांटे। और अगर इसके लिए आप हमें प्रिंसिपल के पास ले जाना चाहते हैं तो बेशक हम चलने को तैयार हैं। हाँ हम सब यही चाहते हैं, क्यों दोस्तों? हम यही चाहते हैं। आप लोग चलना चाहते हो? शिष्ट और अनुशासन रहित हो गए ये लोग, जंगली कही के। क्या यही भविष्य बनेगी हमारे कल के समाज के? कुछ करना होगा इन लोगों के लिए, कुछ ना कुछ करना होगा इन लोगों के लिए। रास्ता तो अब सिर्फ यही है कि उसके किए की सजा उसे दी जाए, क्लास छोड़ के चले जाना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सरासर अनुशासनहीनता है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसके पीछे कौन लड़का है। मैहुल कॉलेज कमेटी के चेयरमैन का बेटा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसके पहले बहुत सी शिकायतें आई हैं उसकी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुझे बात करनी होगी चेयरमैन से। मैं समझता हूँ कि हमें मेहुल के पिता से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्रों को सुधारने का दायित्व अभिभावकों से ज्यादा शिक्षकों का होता है। ये सत्य है कि उन्होंने अशिष्टता की है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी शिकायत लेकर अभिभावकों के पास पहुंच जाएं। देखिए प्रिंसिपल साहब, अभिभावक छात्र को कॉलेज में ज्ञान और शिष्टाचार हासिल करने के लिए भेजता है। यदि वो छात्र शिष्टाचार हासिल नहीं करता तो उसमें दोष अभिभावक का नहीं है, हम शिक्षकों का है। इसलिए मैं समझता हूं कि छात्रों को सुधारने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। लेकिन वो लड़का बहुत शैतान है, अगर उसे ये छूट दे दी गई तो क्लास के दूसरे बच्चे उसकी देखा देखी करेंगे। आप चिंता न कीजिए, हम उसे बदल देंगे। आपको विश्वास है? हम शिक्षक हैं प्रिंसिपल साहब, वो शिक्षक ही क्या जो छात्र का सही मार्गदर्शन न कर सके। अगर आपको विश्वास है कि आप उसे बदल देंगे तो मैं उसके पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, पर एक बार मैं उन्हें चेतावनी जरूर देना चाहता हूँ। बंसीधर जी साहब, क्लास छोड़कर जो स्टूडेंट्स गए हैं कॉलेज में, जहाँ कहीं भी हो उनसे कहो कि मैंने क्लास में बुलाया है। चलिए गंगाधर जी। इलो भैया, साहब ने तो आर्डर दे दिया कि ढूंढ निकालो, पर इतने बड़े कॉलेज में वो लोग होंगे कहाँ? अरे हमें तेरे जैसे बहन जी टाइप लोग नहीं चाहिए यहाँ पर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे उसे भी तो मालूम होना चाहिए कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन यार मृगया की बातों को तुम लोग बिल्कुल अनसुना मत करो,
ये बात तो अब तक प्रिंसिपल साहब के कानों तक पहुँच ही गई होगी, और तुम लोग सब अच्छी तरह जानते हो ना प्रिंसिपल साहब के गुस्से को। हाँ, और मुझे भी काफी डर लग रहा है, अगर उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया तो। डर? लानत है मुझ पर, तुम लोग मेरे साथ रहकर डर रहे हो। अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। आखिर मैं इस कॉलेज के चेयरमैन का बेटा हूँ, इस कॉलेज में जो भी होगा मेरी पसंद से होगा, समझे? अरे हमने तुम लोगों को कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम लोग कॉलेज के पिछवाड़े यहाँ मीटिंग कर रहे हो। अरे जल्दी तुम लोग अपने अपने क्लास में जाओ, वहाँ प्रिंसिपल साहब मारे गुस्सा के गर्म हो रहे हैं, सबको अभी बुलाया है क्लासरूम में। अरे सुने नहीं का, प्रिंसिपल साहब ने सबको बुलाया है, बहुत गुस्से में है। अरे बाप रे, लगता है अब तो हम लोग गए काम से, चलो चलो। अरे जल्दी जाओ, सबको बुलाया है, एक साथ जल्दी जाओ, जाओ सब। ए भैया, अब तुम दोनों को अलग से बताना पड़ेगा का, जल्दी जाइए, प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्से में है, सबको अभी बुलाया है। चलो देखते हैं क्या कर लेता है ये प्रिंसिपल भी, जल्दी चलो। इतना तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने यहां आप लोगों को क्यों बुलाया है। हाँ? सर ये तो अच्छा हुआ कि आपने हमें बुला लिया, वरना हम लोग आपके पास आने ही वाले थे। क्यों, जान सकता हूँ किस लिए? सर हमें ये नया प्रोफेसर पसंद नहीं। यस सर, इसीलिए हम लोग क्लास छोड़कर बाहर चले गए थे। आई सी यानी कि अब हमें प्रोफेसर भी आपकी पसंद नापसंद से रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा किन किन लोगों को गंगाधर का पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। आपने सुना नहीं क्या कहा मैंने आप लोगों से, कि इन दोनों के अलावा और कौन कौन लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं है प्रोफेसर गंगाधर का पढ़ाना? जवाब चाहिए मुझे। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दैट्स गुड। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मुझे पसंद है सर। दैट्स गुड। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है प्रोफेसर गंगाधर से? नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर गंगाधर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को छोड़कर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम क्लास छोड़कर क्यों गए? तुम बताओ, तुम क्लास छोड़कर क्यों गई? वो सर यस बोलो। अमित और मेहुल ने कहा था इसलिए सर। दैट्स गुड, यानी कि इन दोनों के कहने से तुम सब लोग क्लास के बाहर चले गए, ठीक? ये तो अति उत्तम है प्रिंसिपल साहब। ये क्या कह रहे हैं आप प्रोफेसर गंगाधर जी? हाँ प्रिंसिपल साहब, हम सही कह रहे हैं। ये सत्य है कि इन लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया और अनुशासन भी तोड़ा, परंतु इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है प्रिंसिपल साहब, कि इनमें एकता है, और एकता तो बहुत बड़ा गुण होता है। हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब की इनकी एकता के गुण को देखकर आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? इनकी इसी एकता की वजह से हमारे कॉलेज का अनुशासन भंग होता है। नहीं नहीं, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे। मैं स्टूडेंट को एक हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड करूंगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, इन सब में एकता है, इसका मतलब है ये अनुशासित भी हैं, क्योंकि एकता का जन्म अनुशासन के बिना तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये अनुशासित भी हैं। हो सकता है हमारा आज पहला दिन था, इसीलिए ये लोग हमें ठीक से समझ नहीं पाए, इसीलिए कक्षा छोड़कर चले गए, परंतु आगे से ये लोग ऐसा
नहीं करेंगे प्रिंसिपल साहब। अगर इन लोगों को हमारी पढ़ाई पसंद नहीं भी आई तो भी ये कक्षा छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके पास आकर आपसे शिकायत करेंगे। क्यों बंधुओं, आप लोग ऐसा करोगे ना? सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। प्रोफेसर गंगाधर के कहने पर हम तुम सबको माफ करते हैं। मिस्टर मेहुल, मुझे पता है कि तुम चेयरमैन के बेटे हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत इस कॉलेज में एक स्टूडेंट की है, यह तुम हमेशा ख्याल रखना, समझे? प्रोफेसर कैरी ऑन। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए। अरे भाई आप लोग भी बैठ जाइए। अब पढ़ाई शुरू की जाए, परंतु सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे अधिक आवश्यकता है ध्यान से सुनने की, जैसे कि ये घंटी। अरे भाई आप लोगों ने सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, अब हम आपसे कल मिलेंगे। ये प्रोफेसर गंगाधर ने घंटी की आवाज कैसे सुन ली? क्या पता। लगता है बहुत जल्द इस प्रोफेसर का कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। सूरज देवता निकल आए हैं, पर नींद की गोद से अभी तक कोई बाहर नहीं निकला। लगता है आजकल सबको देर रात तक टीवी देखने की आदत पड़ गई है।